अगर आप पहली बार मेरी YouTube चैनल पे आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का आइकॉन है उस पे क्लिक कर दो, साथ में ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ नया आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम पूजा कुशान शाह। पहले मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अपनी टोन बॉडी रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ना वो लोग जिम अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि आजकल के जिम इतने वेल मैनेजमेंट हो गए हैं, इतने सुविधाएं वो लोग देते हैं, इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवन स्पा से लेके जकूसी से लेके सब कुछ अब तो जिम में ऐड हो चुका है। तो वो लोग अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए उस तरह की फीस भी लेते हैं जो बहुत सारे लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड इट्स ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप जिम अफोर्ड नहीं कर पाते हो, इसीलिए तो मैं अपने चैनल पे आपको ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जिससे आप घर में ही वर्कआउट करके, घर में ही आपके किचन में जो खाना है उसको खा के ही आप वेट लूज कर सकते हो। क्योंकि आजकल जिम की फीस ना ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के बिटवीन होती है जो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उससे भी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक मेरे हस्बैंड जो जिम में जाते हैं उसकी एनुअल फ़ी कुछ 35,000 or 40,000 है एनुअल फ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर वो एक्स्ट्रा जो सुविधाज हो वहाँ पे, जो स्पा होता है, जकूजीज होता है, वो चलो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन अगर वो स्पा, मसाज और ये सारी चीज़ें भी अगर लेते हैं तो उनका पूरा पैकेज 60,000 में पड़ता है पर ईयर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मैं जो जिम में जाती हूँ उसकी फ़ीस मतलब है 15 to 13 के बीच में है, और अभी तो पैकेजेस चल रहे हैं तो वो थोड़ा उन्होंने और कम किया है, लेकिन वहाँ पे मुझे सिर्फ स्टीम की ही वो मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टीम ही मुझे मिलता है। उसके लिए मुझे वहाँ पे कोई जकूजी है, लेकिन वो नहीं, जकूजी नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन वहाँ पे स्पा और मसाजेस की भी बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली है जिसकी वजह से मैं नहीं लेती हूँ। हाँ ठीक है, कभी कभी मैंने बुक करवाया है एक अपॉइंटमेंट, देखते हैं अभी वो कैसा मसाज देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिम हैं जो हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हो, लेकिन वहाँ पे जो साधन होते हैं जिम के वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उसकी वजह से वो लोग इतना अपना प्राइस रखते हैं अपने लेवल को मेंटेन रखने के लिए। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एंड इट्स ओके। तो इसके बाद ना बॉडी बनाने के लिए, या फिर मैं अभी देखो पूरी वेट पूरा आपका बॉडी बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग के बारे में बता रही हूँ, वेट लूज के लिए बता रही हूँ, टोन बॉडी रखने के लिए बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों करने के लिए ना आपको जो भी एक्सरसाइज करते हो ना उसके बाद ना सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं अगर आप प्रॉपर उसको बनाना चाहते हो तो। लेकिन सप्लीमेंट्स भी इतने महंगे आते हैं कि लोग जिम नहीं अफोर्ड कर पाते, तो फिर सप्लीमेंट्स कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो मैं अपने वीडियोज में पहले मुझे ये बताओ कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है जो हमारी बॉडी को नीड होती है अच्छा मेंटेन रहने के लिए, वेल हेल्दी रहने के लिए। तो वो सप्लीमेंट्स में वही सारी चीज़ें वो लोग देते हैं रॉ में, जिसकी वजह से आपको वहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रिशंस मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे किचन के जो खाने हैं उन्हीं में से बन के ही वो सप्लीमेंट्स में वो बनती है। तो मैं अपने वीडियोस में आपको घर पे ही वेट लूज कर सकते हो ऐसी एक्सरसाइज इजी बताती हूँ, आप घर पे ही वेट लिफ्टिंग वाली भी मैं एक्सरसाइज आपको जल्द ही बताऊंगी, और आप घर पे ही जो सारी चीज़ें मैं आपको खाने के लिए बोलती हूँ वो सारी चीज़ें आप खा के भी उसमें से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन और नेचुरल न्यूट्रिशन ले के भी अपना वेट बहुत ही अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो। तो मैं यही बताने वाली थी। तो आप लोग देखो, सच में मैं सारे वीडियोस ऐसे ही बनाती हूँ जहाँ पे आपको बहुत मतलब खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके घर में जो रोज़ सब्जी भाजी आती है, जो मसाले होते हैं, वही सारी चीज़ों से आप अपना वेट लूज कर सकते हो और अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हो। तो बस मुझे ये कहना था। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक का भी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सच में बहुत ही अच्छी तरह से इफेक्टिवली वजन वेट अपना वेट कम करना चाहते हैं और अपने एब्स बनाना चाहते हैं, अपने ट्राइसेप्स बनाना चाहते हैं, अपने मसल्स गेन करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अपने लेग एकदम टोन करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने लिए सोच चुके होंगे, मेरी बॉडी ऐसी होगी, मैं ये एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, ये डाइट करूँगी। तो लेकिन ना बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक्चुअली करना क्या है। तो देखो, अगर आपको अपनी अच्छी तरह वेट लूज करना है और अपनी बॉडी को टोन रखना है ना, तो आप लोगों को क्या करना होगा,
आपको चूज करना होगा कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मैं कोई सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके घर के खाने की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि क्या खाना होता है क्या नहीं खाना होता है। और मैं अपने चैनल्स पे ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जो आप वेट लूज में सच में खा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा लो कैलोरी होती है और उसमें से बहुत ही अच्छा आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो या फिर इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, घर में करो या जिम में करो, आप लोगों को ना खाना पड़ता है। एक्सरसाइज करने से पहले भी खाना खाना पड़ता है और एक्सरसाइज करने के बाद भी खाना पड़ता है, जिसको हम पोस्ट वर्कआउट मील और प्री वर्कआउट मील के नाम से जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि हमें खाना क्या होता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाना है। और आप पूरे दिन में वेट लूज के दरमियान या फिर प्री वर्कआउट मील या फिर पोस्ट वर्कआउट मील जिसमें भी कुछ भी खाना खाते हो, आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है कि उससे आपके मसल्स गेन हो, ना कि आपका फैट गेन हो। ये चीजों का ध्यान रखना है। और साथ में एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपका गोल, आपके दो ही गोल होने चाहिए। सबसे पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि आपके ना मसल्स गेन होने चाहिए, और दूसरा कि आपका फैट लॉस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजों पे आप गोल अगर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी बॉडी मिलेगी और आप बहुत ही अच्छी बॉडी आप मैनेज कर पाओगे, ये चीज है। और अगर आप सप्लीमेंट्स भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको स्टेरॉइड नहीं लेना है। उसके अलावा जो भी नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे शॉप्स में मिलते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो, आफ्टर वर्कआउट और बिफोर वर्कआउट के भी सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप वो भी लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, बस आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं। इसके अलावा अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं जो बॉडी के नीड के हिसाब से होते हैं, वो आप ले सकते हो। और अगर आप सूरत में रहते हो, गुजरात में सूरत में रहते हो, तो यहाँ पे सूरत पे एक प्राइम मार्केट नाम का एक एरिया है, उसके आगे जाते ही एक बहुत बड़ा और फेमस बिल्डिंग है जिसको गेल टावर बोलते हैं। गेल टावर के एग्जिट बाजू में मेरे ही नाम का एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है पूजा अपार्टमेंट। वहाँ पे 9 नंबर की एक शॉप है, जो शॉप का नाम है रिद्धि स्पॉर्ट्स न्यूट्रिशन करके एक शॉप है, जिनके ओनर का नाम है फैजान। वो उनकी खुद की शॉप है और वहाँ पे वो बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट्स और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और मैं यहाँ पे आपको इसके लिए रेकमेंड कर रही हूँ ये शॉप, क्योंकि ये शॉप में बहुत ही अच्छे और अच्छी रेंज में वो आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, बहुत ही अच्छी शॉप है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके वर्कआउट के हिसाब से, आपके BMI के हिसाब से सारी चीज़ें देख के ही आपको वो खुद सप्लीमेंट्स देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये वाली चीज़ 5000 की है, नहीं तुम ये लोगो, 2000 की चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं। अगर आपकी बॉडी के हिसाब से आपको 1000 रुपये की चीज़ भी अगर आपकी बॉडी के हिसाब से जाती है तो वो आपको 1000 रुपये का ही आपको बताएंगे, आपको रिकमेंड करेंगे, ना कि 5000 वाली चीज़ आपको बताएंगे। तो ये बहुत ही सही बात है उनकी। तो आपको एक बार ज़रूर वो शॉप को विजिट करना चाहिए। उनका नंबर मैं ऊपर स्क्रीन पे यहाँ पे रख देती हूँ, आप उनको कॉल कर सकते हो और जा भी सकते हो। और उनका पूरा एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रही हूँ। अगर आप सूरत के बाहर रहते हो फिर भी आपको जानना है आपकी बॉडी के हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, कौन सी क्वांटिटी में लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बहुत ही अच्छी तरह आपको बताते हैं, क्योंकि वो खुद एक बॉडी बिल्डर है और वो अभी भी बॉडी बिल्डिंग के बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। तो आपको ज़रूर उनसे एक बार मिलना चाहिए। और उनका जो भी, अगर आप सूरत के बाहर रहते हो तो भी आप उनको कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस करके कुरियर भी करवा सकते हो। तो एक बार ज़रूर उनसे बात करना और अपने न्यूट्रिशंस के बारे में ज़रूर जानना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपको पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है। यहाँ पे आपको मैं दो तरीके का मील बताऊंगी। सबसे पहला, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो आपको क्या खाना है वर्कआउट के बाद में, और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो इवनिंग के वर्कआउट के बाद आपको क्या खाना है। ये दोनों चीज़ें अलग है, आप जो तरीके का वर्कआउट करते हो उस तरीके से आपको अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाना है। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो तो आपको पोस्ट वर्कआउट मील में आपको सबसे पहले तो 2 डेट्स प्लस 1 फ्रूट खाना है। 1 फ्रूट में आप एप्पल और पियर यानी कि नाशपाती, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप खा सकते हो। साथ में आपको 1 से 2 स्कूप, आपको जो ठीक लगे उस तरीके से, आपको वे प्रोटीन लेना है पानी के साथ। उसके अलावा दूध में आपको नहीं लेना है, आपको पानी के साथ लेना है, ठीक है। अगर आप लो फैट मिल्क आप यूज़ करते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उसको ज़्यादातर पानी में ही पीना पसंद कीजिए।
और उसके बाद अगर आपके पास वे प्रोटीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वे प्रोटीन जिस चीज में से मिलता है, घर की जिस चीज में से आपको वे प्रोटीन मिलता है वो चीजें आप खा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं जल्द ही उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूंगी। उसके 15 से 20 मिनट बाद आपको विटामिन सी के लिए कोई भी अच्छा साग या फिर स्प्राउट्स या फिर टमाटर या फिर स्वीट पोटैटो, ये चार मैंने ऑप्शन बताए हैं, इसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आपको खाना है। साथ में विटामिन ई के लिए आपको नट्स और सीड्स खाने हैं, नट्स भी आपको पता है कौन से खाने हैं और सीड्स कौन से खाने हैं वो मेरा अगला वीडियो उसी पे है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर भी प्रेस किया होगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वो अगला वीडियो सीड्स पे है जिसमें मैं ऐसे सीड्स बताने वाली हूँ जो आप पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हो और वेट लूज के लिए भी खा सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देखना। आप शाम का वर्कआउट करते हो तो आपको विटामिन ई और सी के लिए क्या करना है, सबसे पहले 6 to 8 आलमंड्स यानी बादाम और 3 to 4 वॉलनट्स यानी के अखरोट खाने हैं। साथ में आपको 1 से 2 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, मैंने पहले ही बताया अगर वे नहीं है तो कोई बात नहीं, वे जिसमें से मिलता है वो चीज़ आपको खानी है, लेकिन अगर आप शाम को करते हो तो वो चीज़ आपको कम खानी है अगर वो उसमें कैलोरीज ज़्यादा है तो। और यहाँ पे भी वे प्रोटीन आपको पानी में ही लेना है। अगर आप बिगनर्स हो वर्कआउट के लिए तो आपको दिन में 1 या 2 स्कूप ही मैक्सिमम लेना है, उससे ज़्यादा मत लेना। अगर आपका इंटेंसिटी लेवल एक्सरसाइज का हाई है तो आप 3 से 4 स्कूप भी पूरे दिन में ले सकते हो, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट। और अगर आप सप्लीमेंट्स के साथ जाते हो तो आप अपनी तरह से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, लेकिन पोस्ट वर्कआउट के बाद आपको विटामिन ई और सी के लिए, आपको क्या करना है, सेलिन 500 mg नाम की आती है सप्लीमेंट, वो लेनी है। और विटामिन ई के लिए आप इवियॉन 400 IEU भी आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें भी आप ले सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से पहले पूछ लेना ये लेने से पहले कि अगर आपको इसकी कोई एलर्जी ना हो, ठीक है, ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना। यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका गोल यहाँ पे मसल्स गेन ही होना चाहिए और फैट लॉस ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि आप प्रोटीन का जो भी सप्लीमेंट्स लेते हो या फिर नेचुरल वे में लेते हो, दोनों में से कोई भी प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हो वो आपको आफ्टर वर्कआउट ही करना है। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो फिर भी आपको आफ्टर वर्कआउट ही प्रोटीन लेना है, और अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो तो भी आपको वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन लेना है, चाहे वो सप्लीमेंट्स के रूप में आप ले रहे हो या फिर आप नेचुरल सोर्स में से प्रोटीन ले रहे हो, जो भी लो आपको वर्कआउट के बाद ही लेना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको पोस्ट वर्कआउट मील में आपको क्या लेना है, अगर आप मॉर्निंग में लेते हो तो किस तरह आपको मील लेना है, और अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आपको किस तरह मील लेना है, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, ऑप्शंस भी आपको दे दिए हैं, आप ले सकते हो। अगर आप सप्लीमेंट्स भी लेना चाहते हो तो मैंने आपको शॉप के एड्रेस भी आपको दे दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो और उनको एक बार ज़रूर विजिट करना, हो सके तो मैं अपने वीडियो के एंड में उनका शॉप का डिटेल बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है गाइस। तो एक बार ज़रूर मिलना उनसे, वो बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं आपको, डाइट भी अगर आप अच्छी तरह उनको फ्रेंड बन जाओगे उनके तो वो अच्छा डाइट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे बंदे, तो आपको एक बार उनको मिलना चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो सच में आपके अच्छे मसल्स बनेंगे, गुड मसल्स बनेंगे, तो ट्राई कीजिए, फॉलो कीजिए। और आज की हेल्दी टिप ये है कि अगर आप जो भी प्रोटीन ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो या फिर कोई और प्रोटीन ले रहे हो, जो भी प्रोटीन अगर आप ले रहे हो उसको आफ्टर वर्कआउट जो लोगे उसको सिर्फ पानी के साथ लेना प्रेफर कीजिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसको मिल्क में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। लेकिन हाँ, अगर आप वेट गेन कर रहे हो, मतलब आपको वेट बढ़ाना है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो और प्रोटीन ले रहे हो, डाइट कर रहे हो, तो आपको कंपलसरी उसको मिल्क में ही लेना है। लेकिन अगर आप वेट लूज करना चाहते हो, अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, मसल्स गेन करना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ वाटर में ही लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये थी आज की हेल्दी बेनिफिट टिप, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए फॉर बी हेल्दी। और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत करती हूँ यार, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर सकते हो, आपको सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो, आफ्टर ऑल यू आर माई यूट्यूब फैमिली, आप कुछ भी मुझे बता सकते हो यूट्यूब में कमेंट करके। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके बाद आप ना बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी वीडियोस ढूंढना नहीं पड़ेगा।
और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सीड्स पे, जो मैंने आपको बताया कि आपको वर्कआउट के बाद कौन से सीड्स खाने हैं और वो वेट लूज में किस तरह हेल्प करेगी, उस पर मेरा वीडियो है। तो नोटिफिकेशन तो कर ही देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है गाइस, चलो बाय बाय, तब तक स्टे ट्यून विद मी, आई एम पूजा कुशन शाह। और अगर आप डायरेक्ट सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे जो राउंड है वहाँ पे मेरा पिक है, उसमें आप डायरेक्ट क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।